चलन आज मेधा से हम पाठ पांच पिता का पत्र ये पाठ पढ़ेंगे। इससे पहले पाठ के लेखक मोहनदास यानी मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम महात्मा गांधी बापूजी भी कहते हैं, उनके द्वारा लिखा है ये। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। हम उन्हें प्यार से बापू पुकारते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ। सभी स्कूलों और शासकीय संस्थानों में शासकीय स्थान यानी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, वहां पर 2 अक्टूबर को इनकी जयंती मनाई जाती है। इन्हीं की प्रेरणा से हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ। गांधी जी के पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। दीवान एक पद का नाम होता है। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। वह धार्मिक विचारों की थी। गांधी जी ने हमेशा सत्य और अहिंसा यानी किसी को भी मानसिक या शारीरिक तौर पर कष्ट ना पहुंचाना, तो अहिंसा के लिए आंदोलन चलाए थे। वे वकालत के लिए यानी लॉ की शिक्षा के लिए प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भी गए थे। वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। एक बार एक मुकदमे की पैरवी के लिए मुकदमा लड़ने के लिए वे दक्षिण अफ्रीका भी गए थे। वे अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर अत्याचार वहां होते देख बहुत दुखी हुए थे। उन्होंने दांडी यात्रा भी की थी। गांधी जी की 30 जनवरी सन 1948 को प्रार्थना सभा में नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने जेल प्रवास के समय, जेल प्रवास यानी जेल जाने के समय, अनेक रचनाएं लिखी। महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संग्राम में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने अनेकों जेल यात्राएं की थी, यानी अनेकों बार वो अपने आंदोलनों के कारण, सत्य की लड़ाई के कारण जेल गए थे। तो ऐसे ही एक बार जेल प्रवास के समय, जेल जाने के समय उन्होंने जेल में रहते हुए अनेकों रचनाएं लिखी, जिनका वर्तमान समय में बहुत महत्व है। यदि उनकी उन रचनाओं को आज हम पढ़ें तो हमें उनका महत्व समझ में आता है, क्योंकि उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। क्योंकि उनके जो उस समय के विचार थे, आज भी अगर हम देखें तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं वो काम आते हैं। यहाँ उनके द्वारा लिखे उस पत्र को उद्धृत किया जा रहा है जो उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र यानी सबसे बड़े पुत्र को लिखा था। यह पत्र हमें आज भी प्रेरणा देते हैं। तो ये पत्र जो है उनके द्वारा लिखा गया, ये एक पत्र है जो कि उन्होंने ट्रांसवाल जेल से लिखा था अपने ज्येष्ठ पुत्र, अपने सबसे बड़े पुत्र को। आपको मैं बता दूं कि गांधी जी के 4 थे। ज्येष्ठ पुत्र हरिलाल थे, उनसे छोटे मणिलाल, फिर रामदास और देवदास, ये उनके पुत्र थे। और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थी, जिन्हें वो बाग कहके पुकारा करते थे। तो ये उन्होंने अपने पुत्र को पत्र लिखा है। और ये पत्र कब लिखा था? 25 मार्च 1909 को, ट्रांसवाल जेल। ट्रांसवाल जेल जो है ये दक्षिण अफ्रीका में एक जगह है। ये उस समय की घटना है जब दक्षिण अफ्रीका में वे गए थे। जैसे कि अभी आपने इसमें पढ़ा था कि वे पैरवी के लिए गए थे, तो इसी दौरान दक्षिण अफ्रीका जब वे वहाँ गए हुए थे, तो वहाँ पर जो भारतीयों के साथ रंगभेद किया जाता था, उनके साथ शोषण किया जाता था, उनके साथ रंगभेद किया जाता था, तो वहाँ रह रहे भारतीयों के साथ जो रंगभेद किया जाता था, उनका शोषण किया जाता था, अत्याचार उन पर होते थे, उनको कई अधिकार प्राप्त नहीं थे, तो इस बात के खिलाफ लड़ने के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा था।
तो उस दौरान उन्होंने अपने पुत्र को ये पत्र लिखा था जो इस प्रकार से है। प्रिय पुत्र, प्रति मास यानी प्रत्येक मास, मास कहते हैं महीने को, प्रत्येक महीने एक पत्र लिखने और एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार मुझे मिलता है। उन्होंने बताया कि उन्हें जेल में एक पत्र लिखने को दिया जाता है और एक ही पत्र उनको दिया जाता है जो उनके परिवार से आता है। अब मैं पत्र लिखूं किसे? मिस्टर रीच, मिस्टर पोलक और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आया। अब उनको पत्र लिखना था, उन्होंने सोचा कि मैं किसे पत्र लिखूं। पहले सोचा मिस्टर रीच, मिस्टर पोलक। मिस्टर रीच और मिस्टर पोलक उनके मित्र थे। फिर उनको ख्याल अपने बड़े बेटे का भी आया, लेकिन मैंने तुम्हें ही लिखना पसंद किया। फिर उन्हें ये ध्यान आया कि इन सब में उन्हें अपने बेटे को ही पत्र लिखना चाहिए। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना, अपने पुत्र को पत्र लिखते हुए कह रहे कि मेरे लिए तुम बिल्कुल चिंता मत करना। विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है, मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ। मैं यानी वे वहां जेल में शांति से हैं यानी ठीक हैं। आशा है कि बा अब अच्छी हो गई होंगी। बा कौन है? अभी मैंने आपको बताया था कि उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, तो वे अपनी पत्नी को बा कह के पुकारा करते थे। तो अपनी पत्नी उनकी क्योंकि सेहत उस समय ठीक नहीं थी, तो उन्होंने अपनी पत्नी के लिए अपने बेटे से पूछा है कि आशा है कि बा अब अच्छी हो गई होंगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन मुझे दिए नहीं गए हैं। गांधी जी जानते थे कि उन बेटे द्वारा लिखे गए पत्र वहाँ आए हैं, लेकिन उनको वे पत्र दिए नहीं गए थे। फिर भी डिप्टी गवर्नर जो थे उनकी उदारता से, उनकी मेहरबानी से मुझे मालूम हुआ, क्योंकि डिप्टी गवर्नर जो थे वहाँ के, उन्होंने उन्हें बताया था कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। यानी उन्होंने ये उनको खबर दी थी कि उनकी पत्नी का स्वास्थ्य जो है अब ठीक हो रहा है। क्या वे फिर से चलने फिरने लगी? वे अपने बेटे से पूछ रहे हैं। अब कुछ तुम्हारे विषय में कहना चाहूंगा। तुम कैसे हो? तुम पर जो जवाबदारी मैंने डाली है, जवाबदारी से मतलब यहाँ पर है जिम्मेदारी से, तुम उसके सर्वथा योग्य हो। तो कहते हैं कि जो मैंने तुम पर जिम्मेदारी डाली है उसके तुम योग्य हो, क्योंकि तुम सबसे बड़े हो, तुम इसलिए उस योग्य हो और आनंद से उसे निभा भी रहे होगे। यानी अपनी जिम्मेदारी को तुम निभा भी रहे होगे, ऐसी मुझे आशा है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है, क्योंकि उनके बेटे को जो ज्येष्ठ पुत्र थे उनके, उनको पढ़ने का बहुत शौक था, शिक्षा प्राप्त करने का, उच्च शिक्षा प्राप्त करने का बहुत शौक था और वो चाह उनकी एक इच्छा थी। तो वे उसी संबंध में लिखते हैं कि मैं जानता हूँ तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है, क्योंकि वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। वे आगे बोलते हैं, गांधी जी, जेल में मैंने यहाँ खूब पढ़ा है, इससे मैं यही समझता हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। वे कहते हैं कि मैंने यहाँ रहते हुए खूब पढ़ाई की है और इस कारण मैं ये जानता हूँ कि अक्षर ज्ञान से मतलब यहाँ क्या है? किताबी ज्ञान से, पुस्तक के ज्ञान से। तो कहते हैं कि केवल अक्षर ज्ञान की शिक्षा ही केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। यानी शिक्षा प्राप्त करना सिर्फ पुस्तक का ज्ञान प्राप्त कर लेना ही नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। यानी अगर सच्ची शिक्षा चाहिए तो उसके लिए हमें अपना चरित्र अच्छा बनाना होगा और अपने कर्तव्य, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, हमारे जो कर्तव्य हैं, उसका ज्ञान हमें होना बहुत जरूरी है। यदि यह दृष्टिकोण, दृष्टिकोण यानी देखने का नजरिया, यदि यह दृष्टिकोण सही है और मेरे विचार से तो यह बिल्कुल ठीक है, तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। यानी गांधी जी अपने बेटे को कह रहे हैं कि जिस तरह से तुम अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हो, उस हिसाब से, मेरे हिसाब से तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। रामदास और देवदास जो हैं गांधी जी के छोटे दोनों बेटे हैं, तो उनके संबंध में कह रहे हैं कि रामदास और देवदास को भी तुम अच्छी प्रकार से संभाल रहे होगे, यानी उनकी देखभाल कर रहे होगे। यदि ये काम तुम अच्छी तरह और आनंद से करते हो, तो तुम्हारी
आधी शिक्षा तो इसके द्वारा ही पूरी हो जाती है। यदि तुम अपने काम को जिम्मेदारी के साथ कर रहे हो तो तुम तो आधी शिक्षा वैसे ही प्राप्त कर लोगे। उपनिषदों की समालोचना में नथुराम जी ने लिखा है, उपनिषदों यानी जिन्हों जो कि ज्ञानी रहे हैं लोग, उनकी समालोचना, समालोचना कहते हैं अच्छे गुण और दोषों के विषय में सोच विचार करना। तो उसमें नथुराम जी जो हैं उन्होंने इस विषय में लिखा है, अच्छे और बुरे का ज्ञान करके सही और गलत के विषय में जानकारी लेकर उन्होंने लिखा है। उसमें एक वाक्य का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा, यानी नथुराम जी ने लिखा होगा इस विषय में, तो उसके एक वाक्य पर गांधी जी का पर जो था उसके एक वाक्य का गांधी जी पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। और वो ये कि उन्होंने कहा है कि प्रथम अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं कि वह अवस्था जिसमें हमें अपने इंद्रियों पर यानी अपनी इच्छाओं पर एक प्रकार से अपनी इच्छाओं को काबू में रखना आना चाहिए, कहने कहते हैं अपनी इच्छाओं पर संयम बरतना आना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य आश्रम जो है वो संन्यास आश्रम के समान है। संन्यास आश्रम जो होता है वो होता है जब आप सारी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाते हैं तो उसके बाद आप संन्यास का सा जीवन व्यतीत करते हैं, यानी पूजा भक्ति में, ईश्वर भक्ति में अपना जीवन बिताते हैं। यह बात सही है। आमोद प्रमोद, आमोद प्रमोद यानी मनोरंजन एक निश्चित आयु तक ही शोभा देता है, यानी मनोरंजन करना, आपने हंसी हंसी खेल में अपने समय को बिताना, एक निश्चित आयु तक, एक सीमित आयु तक ही शोभा देता है। 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों को जवाबदारी और कर्तव्य का भान होना चाहिए, यानी 12 वर्ष की जब बच्चे की उम्र हो जाए, बच्चों की उम्र जब 12 वर्ष की हो जाए तो उसके बाद उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का और अपने कर्तव्य का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उन्हें अपने आचार विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए, और वे इसे भार समझकर ना करें, अपना अपने ऊपर बोझ ना समझ के करें, बल्कि एक आनंद का अनुभव करते हुए करें। यानी बच्चों को अपने अंदर सत्य और अहिंसा को लाने का प्रयास करना चाहिए और इसको वो आनंद पूर्वक अनुभव करके उनको ग्रहण करना चाहिए। यह आनंद कृत्रिम भी नहीं होना चाहिए। कृत्रिम कहते हैं नकली, दिखावटी। तो ये आनंद जो है वो नकली नहीं होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। यह सरल और स्वाभाविक होना चाहिए। मुझे राजकोट के कई ऐसे लड़के याद आते हैं। राजकोट यानी वह स्थान जहाँ पर गांधी जी का जन्म हुआ था, जहाँ पर गांधी जी का बचपन बीता था। राजकोट के ऐसे कई लड़के याद आते हैं। मैं स्वयं भी जब तुमसे काफी छोटा था तो मुझे अपने पिताजी की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था। 12 वर्ष की आयु के बाद आमोद प्रमोद का बहुत ही कम बल्कि नहीं के समान ही मुझे मिला था। यानी वे अपने विषय में बताते हैं कि जब वे 12 वर्ष की आयु के थे तो उसके बाद उनके जीवन में आमोद प्रमोद यानी मनोरंजन का समय बहुत ही कम रहा या ना के बराबर रहा था। संसार में तीन चीजें उन्होंने महत्वपूर्ण बताई हैं। इनको प्राप्त करके तुम संसार के किसी भी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर सकोगे। गांधी जी कहते हैं कि जीवन में तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं और यदि तुमने उन्हें प्राप्त कर लिया तो तुम संसार के किसी भी कोने में अगर जाओगे तो तुम अपना जीवन यापन बड़े आसानी से कर सकोगे। और ये तीन बातें क्या हैं? वे हैं अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसकी चिंता करो यह मैं नहीं चाहता। वह यह नहीं चाहते कि सिर्फ किताबी ज्ञान को पाने की ही चिंता की जाए। इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है, यानी पुस्तक ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे अपने पुत्र को कह रहे हैं कि तुम्हारे पास बहुत समय है, तुम अपने पुस्तक ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम्हारे पास बहुत समय है, तुम उसे प्राप्त कर सकते हो।
अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला उसे तुम दूसरे को दे सको। यानी पुस्तकीय ज्ञान जो होता है वो इसलिए होता है कि जो तुम उससे प्राप्त करो वो तुम दूसरे को उस ज्ञान को बांट सको या दे सको। इतना और याद रखना कि अब से हमें गरीबी में रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूँ उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। साथ ही साथ वो अपने बेटे को ये भी याद दिलाते हैं कि उन्हें ये याद रखना चाहिए कि उन्हें गरीबी में ही अपना जीवन बिताना है। और वो ये भी बताते हैं कि गरीबी में जो सुख है वो अमीरी की तुलना में गरीबी अधिक सुखद है। यानी अमीरी के जीवन में से अधिक गरीबी के जीवन में सुख और आनंद है। खेत में घास खोदने और गड्ढे भरने में पूरा समय देना, वे बताते, क्योंकि खेती बाड़ी थी उनकी, तो वो बताते हैं अपने पुत्र को, कहते हैं कि खेतों में जो घास है अगर वो उगाई हैं घास वगैरह तो उन्हें खोदना, और जो गड्ढे वगैरह हैं उनको भरने में अपना पूरा पूरा समय देना। भविष्य में तुम्हें अपने जीवन निर्वाह इससे ही करना है। वे अपने बेटे को इस प्रकार से भावी भविष्य के विषय में बताना चाहते हैं कि भविष्य में तुम्हें इसी से यानी खेतों से ही अपना जीवन निर्वाह करना है, अपने जीवन यापन इसी से तुम्हें चलाना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो। क्योंकि खेती बाड़ी करके वो चाहते हैं कि उनका बेटा जो है एक योग्य किसान बन सके, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो खेती बाड़ी के संबंध में ज्ञान प्राप्त करे। सभी औजारों को, यहाँ पर औजारों से क्या मतलब है, खेतों में प्रयोग होने वाले औजार, तो उसके विषय में वे कहते हैं कि सभी औजारों को सदा साफ और सुव्यवस्थित रखना। सुव्यवस्थित यानी ठीक प्रकार से, ठीक ढंग से रखना। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान रखना। वे कहते हैं कि जब तुम किताबी ज्ञान प्राप्त करो तो गणित विषय पर और संस्कृत विषय पर ही अपना पूरा ध्यान रखना, क्योंकि भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए उपयोगी सिद्ध होगी। और ये दोनों विषय यानी गणित और संस्कृत बड़ी उम्र में पढ़ना और सीखना कठिन होते हैं, इसलिए इन पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। संगीत में भी बराबर रुचि रखना, क्योंकि संगीत जो है वो मन को शांति प्रदान करती है। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों और कविताओं का एक संग्रह तुम्हें तैयार रखना चाहिए। वर्ष के अंत में तुम्हें अपना ये संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा। कहने का अर्थ यह है कि तुम्हें भजन और कविताओं का संग्रह रखना चाहिए, यानी इनको एकत्र करके अपने पास रखना चाहिए। जब साल खत्म होगा, साल के अंत में तुम्हारा जो ये संग्रह होगा, जो तुमने इकट्ठे किए हुए ये कविताएं और भजन जो होंगे, ये तुम्हें लगेगा कि बहुत ही मूल्यवान है। काम के अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, यदि काम तुम्हारे ऊपर बहुत अधिक आ जाए तो उससे घबराना नहीं चाहिए, और न ये सोचना चाहिए कि कैसे होगा और पहले क्या करूं। यानी अत्यधिक काम एकदम से आ पड़े तो ये उसको देखकर घबराना नहीं चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि पहले कौन सा करूं। उसके लिए क्या करना चाहिए, शांत चित्त से विचार पूर्वक तुमने यदि सभी सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो तुम्हारे लिए ये बहुत उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगे। यानी शांत चित्त से अपने मन को शांत रखकर और विचार पूर्वक यदि तुम उस कार्य के विषय में सोचो, उस कार्य को करने के विषय में सोचो, तो तुम्हारे ये सद्गुण जो है, तुम्हारे जो अच्छे गुण हैं, तुम उसको प्राप्त कर पाओगे। तुमसे मुझे यह भी आशा है कि घर खर्च के लिए जो भी तुम खर्च करते हो उसका पैसे पैसे का हिसाब रखते हो। यानी वे कहते हैं कि जो भी तुम घर खर्च के लिए खर्च करते होगे तो तुम उसका हिसाब किताब भी अवश्य रखते होगे। कहने का अर्थ यह है कि वो इस माध्यम से ये बताना चाहते हैं अपने पुत्र को कि घर में जो भी कुछ खर्च किया जा रहा है उसका हिसाब जरूर रखना चाहिए। मुझे ये भी आशा है कि तुम रोज शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होगे और रविवार को वेस्ट के यहाँ, वेस्ट जो है उनके मित्र हैं, उनके यहाँ प्रार्थना में भी जाते होंगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। प्रार्थना
प्रयत्न पूर्वक एक निश्चित समय में ही करनी चाहिए। यह नियमितता तुम्हारे और अपने जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध होगी। यानी वो बताना चाहते हैं कि तुम ये नियमितता जो ये कार्य करोगे, समय के अनुसार जो ये काम करोगे, नियमितता यानी ये जो काम है नियमित रूप से करोगे, सही समय पर करोगे, तो अपने जीवन में आगे चलकर ये सब बातें जो हैं तुम्हारे लिए सहायक सिद्ध होंगी। इस पत्र को पढ़कर अच्छी तरह समझ लेने के बाद मुझे जवाब लिखना। इसके बाद वो पत्र के अंत में लिखते हैं कि जब तुम मेरी इस पत्र को पढ़ लोगे तो उसको अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास करना और उसके बाद ही मुझे जवाब इस पत्र का लिखना। जवाब जितना लंबा हो उतना लिख सकते हो। यदि तुम्हारा जवाब बहुत लंबा हो तो तुम उतना लंबा पत्र भी मुझे लिख सकते हो। अंत में अपने प्रेम सहित ये पत्र मैं समाप्त करता हूँ। और वे इस पत्र को अंत करते हैं और लिखते हैं कि तुम्हारा पिता मोहनदास। तो इस प्रकार से बच्चों, गांधी जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को जो ये पत्र लिखा, इस पत्र के द्वारा उन्होंने एक तो उनको अपने बेटे को एक पुत्र होने की और एक परिवार के बड़े बेटे होने की जिम्मेदारियां क्या होती हैं वो समझाने का प्रयास किया। साथ ही साथ उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि हमारी व्यवहारिक बातें जो हैं वो हमारे लिए, समाज के लिए कितनी जरूरी होती हैं, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सही रूप में, सही दिशा में ले जा सकते हैं। तो उनका ये पत्र जो कि उन्होंने हालांकि अपने बेटे को लिखा है, लेकिन अगर हम उनके इस पत्र के माध्यम से देखें तो हमें भी बहुत सी बातें जो हैं उसको पढ़कर हमें भी ज्ञान प्राप्त होता, पता चलता है कि कई बातें ऐसी हैं इस पत्र में जो जिसका अनुसरण, जिसको हमें अपने जीवन में लाना चाहिए, क्योंकि उन बातों पर अमल करके हम भी अपने जीवन को एक अच्छा जीवन बना सकते हैं। इस प्रश्न के इस पाठ के प्रश्न उत्तर जो हैं उसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। थैंक यू चिल्ड्रन।